हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बना रहे हैं गुजिया की कढ़ी। उसके लिए हम बेसन लेंगे। बेसन में हम थोड़ी सी मिर्ची डालेंगे, नमक डालेंगे। नमक मिर्ची आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हम इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे और इसका मिक्स करके अच्छे से घोल बना लेंगे। देखिए, इस तरह भुजिया का घोल हमारा तैयार हो रहा है। घोल हमारा तैयार हो चुका। अब हम कढ़ाई में तेल डालेंगे और गैस को ऑन करेंगे। कढ़ाई का तेल गर्म होगा तब तक हम कढ़ी की प्रोसेस करेंगे। इसके लिए हम मट्ठा लेंगे। मट्ठा यानी छाछ। छाछ के अंदर हम बेसन डालेंगे। छाछ के अंदर 2 चम्मच बेसन डालेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमें छाछ ज्यादा लेनी हो और बेसन कम डालना है ताकि हमारी कढ़ी राजस्थानी कढ़ी बने। अब हम इसमें नमक डालेंगे, मिर्ची डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, मिर्च पाउडर हमने डाल दिया। अब इसमें हम आधा चम्मच हल्दी डालेंगे। हल्दी हमें कमी डालनी है। अब हम इसको फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें गुठले और मसूरी नहीं रहे। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसके लिए आप मेरी वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखिए, ये हमारा कढ़ी का लिक्विड तैयार हो गया है। हमारा तेल कढ़ाई में तेल गर्म हो रहा है। इसमें हम भुजिया डालेंगे। हम इसमें भुजिया डाल रहे हैं। जब हमारी भुजिया तैयार हो जाएगी, निकल जाएगी, तो हम इसी कढ़ाई में कड़ी छोंक देंगे। एक ही बर्तन में हम दो काम कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हम छोटी छोटी भुजिया डालेंगे तो दिखने में भी सुंदर दिखेगी और कढ़ी में डालेंगे तो भी अच्छी लगेगी, अच्छी दिखेगी। देखिए, हम इसको पलट देंगे। डॉन ब्राउन सी का इसकी हम करेंगे। इसको हम पलटते रहेंगे। भुजिया हमारी फ्राई हो चुकी है। ब्राउन भुजिया हमने फ्राई की है और भुजिया इसमें डाल देंगे। हमारी भुजिया पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। निकाल के रख ली हमने। अब हम कढ़ी छोंकेंगे। उसी कढ़ाई के अंदर हम कढ़ी छोंक देंगे। तेल गरम हो गया हमारा। अब इसमें जीरा डालेंगे, राय डालेंगे, हरी मिर्ची डालेंगे, लाल मिर्ची डालेंगे, साबुत हींग डालेंगे। अब हम कड़ी छोंक देंगे। इस तरह से हमने कड़ी छोंक दी है। जो बेसन चाच का लिक्विड था वो डाल दिया है। अब हम इसको चलाते रहेंगे। अब हम इसको चलाते रहेंगे। थोड़ी देर हम इसको चलाएंगे। इसमें पानी कम था, हमने पानी और डाल दिया है। इसको थोड़ा ज्यादा लिक्विड करेंगे तो हमारी कड़ी अच्छी सीजेगी, अच्छी तरह से पकेगी और अच्छी बनेगी। देखिए, हमारी कढ़ी में बबल्स उठने लग गए हैं। बस हमारी कढ़ी तैयार होने वाली है। कढ़ी हमारी तैयार हो गई। अब गरम गरम कढ़ी में हम ये भुजिया डाल देंगे। इस तरह से हमने भुजिया कढ़ी के अंदर डाल दी।
ताकि भुजिया सॉफ्ट हो जाएगी गरम कढ़ी में। अब हम कढ़ी कढ़ी में हम तड़का लगाएंगे। कढ़ाई के अंदर हम घी डालेंगे। थोड़ा सा हम तेल भी डालेंगे। घी और तेल दोनों मिक्स करके कढ़ी के अंदर हम छोंक लगाएंगे। घी गरम हो रहा है। घी गरम हो गया, इसे हम जीरा डालेंगे, राई डालेंगे और साबुत मिर्ची, लाल मिर्ची कटी हुई डालेंगे, हींग डाल देंगे। घी अच्छी तरह गरम हो जाएगा। घी गरम हो गया, अब कढ़ी में हम तड़का लगा देंगे। हमने कढ़ी में तड़का लगा दिया। दोस्तों हमारी कढ़ी तैयार हो चुकी है, भुजिया की कढ़ी, राजस्थानी कढ़ी। इसको आप चपाती के साथ भी खा सकते हो, और राजस्थानी जो लापसी बनाई जाती है उसके साथ भी खाने में बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है।